हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेयर नानी चैनल में। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल हमारी निटिंग क्लासेस एजुकेयर नानी दे रही हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि बॉर्डर्स कैसे बनाए जाते हैं। तो बॉर्डर्स कहाँ कहाँ काम में आते हैं थोड़ा सा हम इस बारे में बता देते हैं। जैसे कोई भी स्वेटर आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले बॉर्डर बुना जाता है। कोई कैप आप बुनते हैं तो कैप में भी सबसे पहले बॉर्डर बुना जाता है। बॉर्डर क्यों बुना जाता है, क्योंकि क्या होता है आपको जिससे कि वो जो उसकी फिटिंग होती है ना वो बहुत अच्छी आती है और उसमें हवा पास नहीं होती है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए आज शुरू करते हैं हम इसको। तो देखिए, जैसे हमने फंदे आपको डालने सिखाए थे इसी तरीके से हमने कुछ फंदे डाले हुए हैं और अब हम बॉर्डर बुनना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे सीधी सिलाई हमने आपको बताई थी तो उस तरीके से सीधे सीधे फंदे आप बुनना स्टार्ट कर देंगे। तो पहली सिलाई हमें बिल्कुल सीधी बुननी है। तो देखिए सीधी सीधी सिलाई, अब तक आपको देखिए सीधी सिलाई बुननी आ गई होगी। अगर नहीं बुनने आई है तो आप पूरे पहले की वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्टिंग से सारी वीडियोस को फॉलो कीजिए, एक एक करके आप जिस जिस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे फॉलो करते हुए, तो आप देखेंगे कि आपको सीधी सिलाई उल्टी सिलाई बुननी आ गई है। और हमने अलग अलग तरीके के आपको फंदे भी बताए थे कि किस किस तरीके से आप फंदे डाल सकते हैं। तो फंदे डालने के भी अलग अलग मेथड होते हैं, जो आपको ईजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए एक सिलाई हमने सीधी बुन ली है। तो ये हम आपको आज बॉर्डर बुनने सिखा रहे हैं। इसके बाद आपको इसको पलट लेना है और एक सिलाई और सीधी बुन लेनी है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि बॉर्डर्स बॉर्डर्स हमारे को कैप जैसे हम स्टार्ट करते हैं, बेबी सूट बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं, तो वहां पे हमें बॉर्डर्स काम में आते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि अगर बॉर्डर बुना हुआ नहीं होता है तो उससे क्या होता है कि वूलन क्लोथ्स की फिनिशिंग नहीं आती है। या तो वो अंदर की तरफ मुड़ना स्टार्ट कर देते हैं या वो बाहर की तरफ मतलब अनमैनर्ड से में अजीब से लगते हैं, ऊपर नीचे की तरफ वो मुड़ने लगते हैं या वेव्स सी आने लगती हैं उसके अंदर। और जिसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर से हवा पास होती है तो जो आपकी मेहनत होती है ना वो सब खराब हो जाती है। इसलिए बॉर्डर्स बुनने बहुत जरूरी है। तो जैसे भी हम आपको इसमें बॉर्डर्स बताएंगे ना, तो अलग अलग तरीके के बॉर्डर्स बताएंगे, तो जो बॉर्डर आपको पसंद आया वो बॉर्डर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो देखिए दो सिलाइयां हमने सीधी बुन ली हैं और अब हम क्या करेंगे, दो सिलाइयां सीधी और बुन लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने एक एक करके आठ सिलाइयां कर ली हैं। आठ सिलाइयां मतलब एट। तो एट टाइम जब हम इसको सीधी सीधी सिलाई को बुनते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये उभरी उभरी लाइंस आ रही हैं, यानी ये फोर लाइंस आ रही हैं। तो जब आप दो सिलाइयां बुनते हैं तो क्या होता है, एक इसको फली भी बोलते हैं, तो फली कह लीजिए, लाइन कह लीजिए। तो जो ये उभरी हुई लाइन आ रही है, तो जब आप दो सिलाई सीधी बुनेंगे तब ये एक लाइन उभरी भी आएगी। तो इट मीन्स कि आपको क्या करना है, जब आप एट टाइम्स इसको बुन लेंगे तब ये फोर आपको हाईलाइटेड दिखेंगी। तो एकदम आप ये देख रहे हैं कितने अच्छे से हाईलाइट हो रही हैं। और ये बॉर्डर बनाने से आपका फायदा ये होता है, ये देखिए कहीं से मुड़ नहीं रहा है, एकदम एक साथ सा एकदम इवनली आ रहा है। तो ये जो बॉर्डर्स बनते हैं ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे बेबी सूट्स होते हैं, कैप्स होती हैं, वो चाहे छोटे बच्चों की हो या बड़े जनों की हो, तो कैप्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो छोटे बच्चों के हम सॉक्स बनाते हैं बेबी सूट के साथ, तो उसमें भी ये बॉर्डर डाला जाता है। और जो पूरा बेबी सूट बनाया जाता है उसमें भी ये बॉर्डर डाला जाता है। तो और इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि जैसे हमने फोर लाइंस का बनाया है तो ये इतना ही सफिशियंट होता है। आप इसको बहुत ज्यादा बड़ा ना बनाएं कि आप सोचे कि ज्यादा बड़ा बना दें, बॉर्डर्स बड़े बड़े बॉर्डर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन ये वाला जो बॉर्डर होता है ना ये इतना ही बनाया जाता है, इससे ज्यादा नहीं बनाया जाता है। मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि इसमें दो लाइन और बुन दीजिए तो पांच फलियां आपको दिखाई देंगी, यानी फाइव लाइन्स हाईलाइट हो जाएंगी। तो आप ये कर सकते हैं, इससे ज्यादा ये नहीं बनाया जाता है। और जो हम अभी आपको आगे बॉर्डर्स बताने वाले हैं उनको आप छोटा बड़ा कितना भी बना सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। और हम इसके साथ में आपको देखिए थोड़ा सा बुन के भी दिखाया है, तो वो इसलिए दिखाया है जिससे कि आप समझ पाए कि जो सिंपल बुनाई जब हम आगे स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले जब हम ये बॉर्डर बनाते हैं तो इसकी लुक कितनी सुंदर आती है। तो देखिए कितना ग्रेसफुल लग रहा है एकदम, ये इसकी ग्रेस कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये बॉर्डर्स आप जरूर ट्राई कीजिए कि बॉर्डर आप अच्छे से बना पा रहे हैं या कैसे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। और देखिए
अच्छी लगी हो क्या, मतलब देखिए अच्छी लगेगी ही, आप इसको लाइक कीजिए, देखो कितना मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है इस चीज से कि आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। बड़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, और देखिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हम दे रहे हैं, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि वो भी घर बैठे निटिंग सीख सकें और इस सर्दियों में आप अपने लव्ड वंस के लिए कुछ ना कुछ बना पाए और उनको कुछ ना कुछ अपना हाथ का बनाकर बुनकर कुछ उनको दे पाए, गिफ्ट कर पाए। तो आप इस बात का ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे भी हम कुछ ना कुछ आपके लिए किसी ना किसी टॉपिक पे वीडियोस बनाते रहेंगे। इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और एजुकेटर नानी आपके लिए कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक्स लेके आती ही रहती हैं, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बॉर्डर सिखाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। जब तक के लिए थैंक यू।